हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ एगलेस स्टीम राइस केक। बिना अंडे का चावल के आटे से आज मैं कपकेक बनाऊंगी और ये कपकेक बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी होता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये बहुत कलरफुल है, ये केक रंग बिरंगा है और बच्चों को तो रंगीन चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और ये केक आप कभी भी बना सकते हैं, कोई बर्थडे पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो चलिए मैं केक बनाना शुरू करती हूँ। ओके, तो अब मैं कप केक बनाना शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, ये है 1 कप राइस फ्लावर, 1 कप चावल का आटा मैं इसमें डाल रही हूँ, 1/2 कप से और थोड़ा कम है शुगर चीनी, क्योंकि मैं नॉर्मल शुगर ले रही हूँ। अगर कोई शुगर पाउडर ले रहा है तो उसको 1 कप लेना है, 1/2 कप लेना है, मेरा थोड़ा कम है। और ये है कॉर्नफ्लावर, ये मैं 2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ। ये ठीक से मिक्स कर ले रही हूँ, तब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ये आपका अपना चॉइस है कौन सा ऑयल डालना है, घी बटर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखिए अभी ठीक से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ कोकोनट ऑयल, आप घी बटर कुछ भी डाल सकते हैं, मैं इसमें कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ 5 टेबल स्पून। जब ये ठीक से मिक्स कर लूंगी तब इसमें मैं कोकोनट मिल्क डालूंगी। आप इसकी जगह पे ऑयल, घी, बटर, नॉर्मल काऊ का मिल्क भी डाल सकते हैं। मैं आज कोकोनट मिल्क से बना रही हूँ, थोड़ा टेस्ट और अच्छा लगता है। ये है 200 ग्राम कोकोनट मिल्क, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको डालूंगी। अगर नीड होगा तो इसमें मैं पानी भी डालूंगी। ml है। ओके, तो देखिए इसमें मैं 200 ml कोकोनट का मिल्क डाली हूँ। थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है, मे बी इसमें 2 टेबल स्पून मैं वाटर डाल रही हूँ, पानी, क्योंकि बाद में राइस फ्लावर फूलेगा, इसलिए थोड़ा इसमें पानी ज्यादा पड़ता है। अब ये ठीक से बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा और पतला है नॉर्मल कपकेक से, क्योंकि इसमें राइस फ्लावर है। ओके, तो अब देखिए ये 400 ml हुआ है और इसको मैं चार कलर का मैं कपकेक बनाने जा रही हूँ, तो मैं 4 जगह इसको रखूंगी बाउल में। ml 1 बाउल में मैं रख रही हूँ। ऐसे करने से जो भी बना रहा उसके लिए इजी होगा। अब मैं इसमें खालर मिलाऊंगी, आपका अपना चॉइस है। अगर आपको कोई रंग नहीं डालना है तो सिर्फ वनीला एसेंस डाल सकते हैं, अगर जो खालर आपको पसंद है डाल सकते हैं। तो इसमें मैं डालने जा रही हूँ वनीला एसेंस। ओके, तो ये देखिए, ये है वनीला एसेंस, मैं 1 कप बाउल में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे व्हाइट ही रखना है। अब मैं 1 ड्रॉप डालूंगी इसमें। ये सिर्फ स्मेल के लिए होता है।
कलर आपका अपना चॉइस है, किसको कौन से रंग का बनाना है। केवे मिक्स हो गया ठीक से। अब मैं डालने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी पेस्ट। इसको मैं 2 ड्रॉप डाल रही हूँ अच्छा कलर आने के लिए। ओके तो ये देखिए इसमें मैं वनीला एसेंस डाली थी, लेकिन मेरे बेबी को ब्लू कलर चाहिए तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ। उसको व्हाइट नहीं पसंद है। ये है ग्रेप फ्लेवर है ये। और ये पर्पल ग्रेप्स है, ग्रेप का फ्लेवर है। देखिए ठीक से मिक्स हो गया। अब मैं जा रही हूँ ऑन करने। और ये स्टीम मोड पे चल रहा है। ओके तो अगर आप नॉर्मल चूल्हे पे बना रहे हैं तो जब पानी गर्म हो जाएगा ठीक से तब कपकेक को इसमें डालना है। और ये मेरा स्टीम मोड पे चल रहा है, पानी गर्म हो रहा है, अब मैं इसमें कपकेक डालूंगी। और कपकेक डालने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है इनो। इसको इनो डालने के बाद तुरंत कपकेक को डाल देना है स्टीमर में, इसको देर तक रखना नहीं है। और ये है 1/4 टीस्पून, ml से है 25 ml, एक बोल में मैं डाल रही हूँ। और ये आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ का, जो एक केक हमेशा सबके बच्चों के लिए बनाती हैं। ये उनका रेसिपी है। ओके तो अब देखिए इसमें इनो ठीक से मिक्स हो गया है। इनो मिलाने के बाद देर तक रखना नहीं है। इसको पूरा नहीं भरना है क्योंकि बाद में ये फूलेगा। यहीं तक ठीक है। और थोड़ा सा इसको डालने से पहले मैं टैप कर दे रही हूँ। ये बहुत भी केयरफुल होके डालना है क्योंकि इलेक्ट्रिक का है, ये पानी नहीं जाना चाहिए इसके अंदर। और 10 मिनट में कपकेक बन जाएगा, लेकिन अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। ये थोड़ा जल्दी बन जा रहा है। ओके तो अब देखिए 10 मिनट हो गया है। अब मैं इसको जा रही हूँ निकालने और मैं अब इसको ऑफ कर रही हूँ। ऐसे ही मैं सारा कपकेक बनाऊंगी। ओके तो अब देखिए इस तरह से मैं सारा एक बार में रख दे रही हूँ। थोड़ा गर्म है, बहुत भी केयरफुल होके रखना है। एक बार में मैं ट्राई कर रही हूँ 6 रखने का।
ओके, तो अब देखिए मैं चेक कर रही हूँ, 10 मिनट हो गया है। चाकू में कुछ नहीं लगा, ये ठीक से कुक हो गया है। अब मैं ऑफ कर रही हूँ। ओके, तो अब देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी केक बना है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए अंदर से भी ये कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा केक बना है। इस केक को ट्राई ज़रूर करना, अगर अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय।